भारत पिछले 10 वर्ष में आत्मनिर्भर नहीं और चाइना निर्भर हो गया है। 60 साल तक कांग्रेस ने इस देश में राज किया, वो भूल रहे हैं कि कितना विफल उनका राज्य रहा कि भारत को पड़ोसी देशों के ऊपर निर्भर होना पड़ा। जहाँ पे विदेश मंत्री बोलते हैं कि हम चाइना के साथ सख्ती से पेश आएंगे, वहीं पर वाणिज्य मंत्री कहते हैं कि हमको चाइना से और निवेश चाहिए। आज के दिन उनका नाम बदल गया, क्या बोलते हैं, आजकल इंडिया अलायंस बनी है, पर यूपीए है। यूपीए के समय देश को कमजोर किया गया, हमें आज तक पता नहीं वो एमओयू क्या था। देश के विदेश मंत्री और वाणिज्य मंत्री दो अलग बातें क्यों करते हैं? मुझे खुशी है सदन से साझा करते हुए आपके माध्यम से कि अब 65% से अधिक एयर कंडीशनर्स में भारतीय बनाए हुए भारतीय मूल के कंपोनेंट्स लगते हैं और ये बढ़ के 80-85% तक अगले 2-2.5 वर्ष में जाएगा। जो शुरुआत की है भातृहरि माताब जी ने पूछी, हमने फिर से क्यों खोली, कई कंप्रेसर मैन्युफैक्चरर्स ने इसका लाभ लिया, कई और इसका लाभ लेना चाहते हैं, फिर और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स ने जब अप्रोच किया, हमारे पास कुछ निवेश बाकी था तो कुछ सब्सिडी बाकी थी तो एक और बार विंडो खोली कि और लोग इसका लाभ ले सके, भारत आत्मनिर्भर हो एयर कंडीशनर्स एलईडीज में, टेलीकॉम में और ये कोविड के समय आत्मनिर्भर भारत पैकेज के साथ साथ इस स्कीम ने एक बहुत महत्वपूर्ण और अहम भागीदारी की भारत को सक्षम बनाने के लिए। और जहाँ तक वीजा की बात है, जो पीएलआई स्कीम के अंतर्गत कंपनियाँ आती हैं, साधारणता अगर वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से घातक ना हो, जेन्युइन बिजनेस ट्रांजैक्शन हो, तो उसके लिए वीजा की प्रावधान किया गया है। जहाँ जहाँ जेन्युइन केसेस पीएलआई से लिंक्ड आते हैं, वो अगर डीपीआईटी को अप्रोच करते हैं तो एमई और होम मिनिस्ट्री के साथ मिलके हम चेक करके उनको वीजा देने के लिए प्रयत्नशील। गौरव गोगोई जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मंत्री महोदय बात तो करते हैं आत्मनिर्भर की, पर जिस प्रकार का उन्होंने आर्थिक स्थिति बनाई है, अब भारत पिछले 10 वर्ष में आत्मनिर्भर नहीं और चाइना निर्भर हो गया है। अब अभी अरविंद सावंत जी ने कहा कि चाइना से और वीजास की मांग मंत्रालय कर रही है और ये उन मंत्रालय को ये सुझाव भी दे रहे हैं कि हमको और वीजास चाहिए। कुछ दिन पहले आपका प्रश्न क्या? मैं मंत्री महोदय से यही पूछना चाहता हूं कि इकोनॉमिक सर्वे ने भी कुछ दिन पहले यही लिखा कि चाइना से हमको और एफडीआई हमको लेना चाहिए। तो जहां पे विदेश मंत्री बोलते हैं कि हम चाइना के साथ सख्ती से पेश आएंगे, वहीं पर वाणिज्य मंत्री कहते हैं कि हमको चाइना से और निवेश चाहिए, चाइना से और वीजा चाहिए। तो देश के विदेश मंत्री और वाणिज्य मंत्री दो अलग बातें क्यों करते हैं? डबल इंजन की बात। मान्य सदस्य ने 60 साल तक कांग्रेस ने इस देश में राज किया, वो भूल रहे हैं कि कितना विफल उनका राज्य रहा कि भारत को पड़ोसी देशों के ऊपर निर्भर होना पड़ा। हाल में पिछले हफ्ते सवाल के जवाब में हमारे मंत्रालय ने साझा किया था देश को कि कैसे कांग्रेस के समय जो इंपोर्ट है, जो आयात होता है, वो इतने बड़े पैमाने पे बढ़ा कि कहाँ $4 बिलियन का चाइना से आयात होता था, वो बढ़ के लगभग 40-45 बिलियन तक गया, यानी 10 गुना से ज़्यादा आयात चाइना से इनके समय में पड़ा, जबकि हमारे समय में जो बढ़त हुई वो मात्र 1.5-2 गुना हुई। हमने नियंत्रण में लाया, हमने अलग अलग स्कीम से देश को आत्मनिर्भर बनाया, देश में मैन्युफैक्चरिंग को अट्रैक्ट किया। मैं सीधा आरोप लगाता हूँ यूपीए के ऊपर, और आज के दिन उनका नाम बदल गया, क्या बोलते हैं, इंडी, आजकल इंडिया अलायंस बनी है, पर यूपीए है। यूपीए के समय देश को कमजोर किया गया, हमें आज तक पता नहीं वो एमओयू क्या था। वो एमओयू चाइना के साथ जो कांग्रेस के नेताओं ने किया, आज तक पता नहीं क्या था, क्या उसके कारण भारत का ट्रेड डेफिसिट यूपीए के समय लगभग 30 गुना बढ़ा। ये यूपीए का ट्रैक रिकॉर्ड, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने चाइना पर भी लगाम लगाया, निवेश पर भी लगाम लगाया। जहाँ तक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की बात है, वो एक इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस रिपोर्ट आते हैं, उस रिपोर्ट का उनके विचार है,
कि भारत की सरकार का अभी की स्थिति में एट प्रेजेंट कोई बदलाव नहीं है। जो निवेश चाइना से आते हैं उसको प्रेस नोट 3 के तहत चेक किया जाता है और जहाँ जहाँ हमें उचित नहीं लगता है उसको रोका जाता है। भारत सरकार की पॉलिसी आज भी वही है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के मात्र सुझाव।